मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी, साथ ही विपक्ष सदन में कटौती का प्रस्ताव भी लाएगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कटौती प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इसमें 2007 से 2023 तक 13,500 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है, लेकिन केवल 3 लाख करोड़ का निवेश अब तक मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में जवाब में बताया है।